बिहार के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भागलपुर में 100 बेड की क्षमता वाले ईएसआई अस्पताल खोले जाएंगे। बता दें, नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में मंगलवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 194वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद शामिल हुए। बैठक में कामगारों के हितों में कई निर्णय लिए गए। राज्य के 3 प्रमुख जिलों में ईएसआई अस्पताल खुलने के बाद निगम में बीमित लोगों और उनके आश्रितों के लिए इलाज की व्यवस्था हो सकेगी। बता दें, दिल्ली में हुई बैठक में ईएसआईसी बिहार से संबंधित लंबित मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया गया। बिहार सरकार की ओर से अनुरोध किया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को इलाज से संबंधित औषधि प्रतिपूर्ति देयक आदि के भुगतान हेतु ऑनलाइन पेमेंट की वर्तमान व्यवस्था को कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी के कार्यान्वयन होने तक चालू रखा जाए। बता दें, ईएसआई के 100 बेड वाले अस्पताल के निर्माण के लिए मुजफ्फरपुर को 2.9 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसके लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से 5.07 एकड़ जमीन हस्तांतरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस पर ईएसआईसी की मंजूरी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेगूसराय के बरौनी में 100 बेड वाले ईएसआईसी अस्पताल और डीसीबीओ की स्थापना के लिए भी 5.5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है।